इस वीडियो में हम बिजनेस की कुछ एक्टिविटीज देखेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। हमने पिछली वीडियो में अपनी देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, बिजनेस का ऐसा एक्सपेंडिचर जिसको हम लोग करंट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करते हैं, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर बेसिस पे होता है, यानी हर साल हम लोग इस एक्सपेंस को अपनी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करते हैं, ये बिजनेस का रेगुलर एक्सपेंस है। और इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने किया था, बिजनेस का ऐसा खर्चा जिसका फायदा हमें एक साल के लिए नहीं होता बल्कि जिसका फायदा हमें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है जो हमारे लिए, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस का वन टाइम एक्सपेंस है, यानी एक दफ़ा एक्सपेंस कर लिया है तो इससे बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं एक साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए। तो अब हम लोग कुछ बिजनेस की एक्टिविटीज़ देखते हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि उन एक्टिविटीज़ में से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ कॉस्ट ऑफ एयर कंडीशनिंग द ऑफिस ऑफ जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर के ऑफिस में एयर कंडीशनिंग की कॉस्ट आई है, अब ये जो कॉस्ट आई है ये कॉस्ट रोज रोज नहीं आएगी, ये बिजनेस का वन टाइम एक्सपेंस है, एक दफ़ा एयर कंडीशनिंग कर दी है तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी। जनरल मैनेजर का ऑफिस में एक दफ़ा हो गई है तो हर साल नहीं होगी, तो ये वन टाइम एक्सपेंस है और ये बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। और बिजनेस के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं इनको हम लोग बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं, जो कि बिजनेस के माली हालात जानने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है, ये FBISE से हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एनुअल टैक्सेस एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसा कि नाम से जाहिर है एनुअल टैक्सेस हैं, यानी हर साल हमने टैक्सेस पे करने हैं, बिजनेस का रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। और इंश्योरेंस प्रीमियम, जब हम बिजनेस के बिल्डिंग मशीनरी या फर्नीचर कुछ भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका फ़ायदा हमें ये होता है जब हमारा कोई लॉस हो जाता है, जो चीज़ हमने इंश्योर करवाई होती है इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग एक फ़ी पे करते हैं, और उस फ़ी पे करने की वजह से इंश्योरेंस कंपनी हमें ये करती है कि उस लॉस को पूरा कर देती है। जब हमारा लॉस होता है, जो चीज़ इंश्योर करवाई होती है उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी उठा लेती है, तो जो हम लोग फ़ी पे करते हैं ये भी हमारे बिजनेस का रेगुलर, हम लोगों ने हर साल फ़ी पे करनी होती है, रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है। तो ये दोनों खर्चे हमारे बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, और जो बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर बिजनेस की सेल अमाउंट में से, या अगर बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो सर्विस में से माइनस कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं अगली एक्टिविटी बिजनेस की क्या है हमारे पास। यहाँ है हमारे पास कॉस्ट ऑफ हैवी एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। अब हमने एक प्रोडक्ट जो है बिजनेस ने नया लॉन्च किया है और उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, और एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है अभी सब अनअवेयर हैं उस प्रोडक्ट से, वो प्रोडक्ट नया है तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब ये जो बिजनेस का एक्सपेंस है ये बिजनेस का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इसके बरक्स अगर ये एडवर्टाइजमेंट रेगुलर नेचर की होती, यानी ये एडवर्टाइजमेंट वो होती जो हम लोग रेगुलर हर साल एडवर्टाइजमेंट के लिए, लेट सपोज 2 लाख रुपए हम साइड पे रख देते हैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ये रेगुलर नेचर का एक्सपेंस होता, बिजनेस का हर साल एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता। लेकिन नया प्रोडक्ट है वन टाइम जो हम लोग ज़्यादा हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट जो करनी है उसके लिए खर्चा कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब जो हम वेजेस पे करते हैं लेबर्स को, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है, ये भी हम देख लेते हैं। जो हम लोग वेजेस पे करते हैं लेबर्स को, अगर तो वो वेजेस हैं जो हम लोग रेगुलर प्रोडक्शन में हमारे लेबर्स यूज़ होते हैं, मजदूर जो प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको उनकी मजदूरी देते हैं, तो ये तो हमारे बिजनेस का रेगुलर नेचर का एक्सपेंस है क्योंकि हमने जो मजदूरों को मजदूरी देनी है वो हर साल देनी है, तो इस एक्सपेंस को हम अपना कहेंगे ये हमारे बिजनेस का रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। और अगर इसके अलावा हमने जो वेजेस दी हैं वो हम लोग इस मकसद के लिए दे रहे हैं कि मशीन, न्यू मशीन है हमारी, मशीन को हम लोग इरेक्ट करवा रहे हैं यानी लगवा रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं मजदूरों से, तो उनको हम मजदूरी पे कर रहे हैं। अब अगर एक नई मशीनरी लग रही है तो ये जो कॉस्ट आएगी वेजेस, ये जो हम वेजेस पे कर रहे हैं इसे हम मशीनरी की कॉस्ट में जमा करेंगे और ये हमारे बिजनेस का कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। जैसे हम लोग यहाँ फर्ज कर लेते हैं हमने एक मशीन खरीदी है और वो मशीन है ₹3 लाख की, अब उस मशीन को खरीदने से लेकर उस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने तक हम जो भी खर्चा करते हैं, इस मशीन को हमने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने पर भी हमारा 50,000 लग जाता है, इसे इरेक्ट करवाना है,
इसका और कोई काम इसके अलावा रिपेयर स्टार्ट में होगी मशीन, इस तरह के हमने जो भी काम करवाना है हम लेते हैं 20,000 उसका लग जाएगा। और इस मशीन के जो भी हम लोग काम करेंगे इस वो हम लोग तमाम एक्सपेंस मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो करते हैं वो तमाम एक्सपेंस हमारे बिजनेस का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ मशीन की हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी 3,70,000, जो कि हमने इन तमाम अमाउंट्स को, इन तीनों अमाउंट्स को जमा किया, जो हमने इंस्टॉलेशन का कहा या इरेक्शन का कहा उसके अलावा ये जो मशीन की असल कॉस्ट थी वो कितनी थी, मिला के 3,70,000 मशीन की कॉस्ट होगी और ये टोटल हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कहलाएगा। इसके बाद है हमारे पास बैड डेट्स रिकवर्ड। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, हमने चीज़ें जो हैं वो क्रेडिट पे सेल की हुई हैं। क्रेडिट पे सेल करने का मतलब ये है कि हमने कस्टमर को चीज़ें सेल की हैं लेकिन उसकी अमाउंट साथ ही वसूल नहीं की, हमने 30 डेज या 60 डेज कस्टमर को दे दिए और पैसे हम ले लेंगे और उन सेल्स में से कुछ सेल्स के पैसे, कुछ सेल्स की अमाउंट हम लोगों को नहीं मिली, तो जो नहीं मिली उसे हम अपने बिजनेस के बैड डेट्स कहेंगे। अब 2 महीने तक तो वो अमाउंट मिल जानी चाहिए थी लेकिन वो अमाउंट 2 महीने तक नहीं मिली, तो हमने इस एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में इस एक्सपेंस को हम लोग लिख देते हैं। अब अगर ये हुआ कि ये जो एक्सपेंस हम लोग लिख चुके हैं इनकम स्टेटमेंट में, वो एक्सपेंस हमें 2 महीने गुजरे और तीसरा महीना भी गुजर गया, उसके बाद ये एक्सपेंस जो है हमारा रिकवर हो गया है, हमने रिकॉर्ड कर लिया था उसे बैड डेट लेकिन उसके बाद वो रिकवर हो गया, यानी कस्टमर ने वो पैसे दे दिए हैं। तो अब हम लोग इसको दोबारा इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिख लेंगे क्योंकि हम लोगों ने पहले से इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपना एक्सपेंस कहा था, अब हम लोग इसे अपनी रेवेन्यू रिसीट कहेंगे, यानी रेवेन्यू हम लोगों को वसूल हो गया है और हमने इसको फिर अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही लिख देना है जहां हमने इसे पहले एक्सपेंस चार्ज किया था। तो ये भी हमारे बिजनेस का रेवेन्यू नेचर इनकम हो जाएगी जब बैड डेट्स रिकवर होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं अगली चीज़ हमारे पास क्या है, अगर हम लोग लोन लेते हैं बैंक से जब हम लोग लोन लेते हैं तो जो अमाउंट हमारे पास आती है वो हमने 1 साल के अंदर वापस नहीं करनी होती, अगर तो ये शॉर्ट टर्म लोन है यानी 1 साल में हम लोगों ने उस लोन को वापस करना है तो वो रेवेन्यू रिसीट होगी हमारी, और अगर वो हमारा लॉन्ग टर्म लोन है यानी हमने वो जो लोन है उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे और लोन का जो ड्यूरेशन है वो 1 साल से ज़्यादा अर्सा है, वो 3 साल 4 साल या 5 साल है, तो फिर ये हमारा जो लोन होगा ये हमारी कैपिटल रिसीट में आ जाएगा, यानी हम लोगों ने कैपिटल वसूल किया है और ये हमारा लोन जो है वो कैपिटल रिसीट कहलाएगी। तो इस वीडियो में हमने देखा रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस वो होते हैं जो करंट अकाउंटिंग पीरियड में जिनका फायदा होता है, यानी ये रेगुलर नेचर के एक्सपेंस होते हैं, जिस ईयर में ये एक्सपेंस किया जाता है उस ईयर में ही हम इससे बेनिफिट ले लेते हैं। इस और हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसका फायदा हमें लंबे अरसे के लिए होता है और ये हमारा वन टाइम एक्सपेंस होता है जो अरसे बाद किया जाता है। और हमने फिर डिफरेंट बिजनेस की एक्टिविटीज देखी और जाना कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है और कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है।